झंडे ले लो झंडे, झंडे ले लो झंडे, झंडे ले लो झंडे, झंडे ले लो झंडे। भैया झंडे ले लो ना। अरे अभी झंडे का क्या काम है, अभी तू जा 15 अगस्त को आना। इसे ले लीजिए। अरे बोला ना नहीं चाहिए, जा यहाँ से। इसे ले लीजिए। अरे बगा इसको, बोला ना झंडा नहीं चाहिए, जा यहाँ से। अरे भैया आप एक बात बताइए, आपको झंडा नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, लेकिन इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? अरे इसे मारे नहीं तो क्या करे, इसे कब से बोल रहे हैं हमें झंडा नहीं चाहिए, ये फिर भी झंडा दे रहा है। 15 अगस्त को लेंगे झंडा और बुलेट वहाँ पे लगाएंगे और फुर फुर करेंगे, क्यों ना भैया? सही है भाई, सही है भाई। अभी झंडा लेकर क्या करेंगे हम, बेकार में हम झंडा खरीदेंगे, इससे अच्छा हम सिगरेट पी लेंगे। वाह, मतलब कहने को आप लोग हिंदुस्तानी हो, आप लोगों को मतलब तिरंगे की कीमत सिर्फ 15 अगस्त को दिखाई देगी, यानी कि मतलब 15 अगस्त को आप तिरंगा लेंगे और अपने ब्लूटूथ पे लगाएंगे और हुर हुर करेंगे, यानी कि आप लोगों को दुनिया वालों को दिखाना है कि हम भी एक सच्चे देशभक्त हैं। शर्म करो भाई, शर्म करो, हम हिंदुस्तानी लोग इस तिरंगे के लिए मर मिटते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम इस तिरंगे को लेके क्या करेंगे। ये भाई बोलता है हम तिरंगा खरीदेंगे, इससे अच्छा हम सिगरेट भी लेंगे। भाइयों ये तिरंगा नहीं ना तो समझिए हमारा देश नहीं। दरअसल सच्चे देशभक्त आप कभी बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोग तो गांव समाज में हमेशा घूमते फिरते और हुक्का फूकते रहते हो। अरे आपको तब सच्ची देशभक्ति समझ में आएगी जब एक बार आप सीमा पे लड़ाई करोगे। एक फौजी की जिंदगी आप एक बार जी लीजिएगा ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस तिरंगे की क्या कीमत है। अरे आप लोग छोड़िए, इस बच्चे के तिरंगे तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि जरूरी नहीं कि एक फौजी ही अपने देश के लिए मरेगा, हर एक देश के नागरिक को भी अपने देश के लिए मर मिटने की नौबत आए ना तो उसे मर मिटना चाहिए। छोड़िए आप लोगों को समझाने से क्या फायदा, चलिए बाबू। आज मुझे खुद पे शर्म आ रही है, आज तक हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। जरूरी थोड़ी है कि एक फौजी हमारे देश के लिए रक्षा करेगा या मर मिटने के लिए तैयार हो, ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम हमारे देश के नागरिक है। आज से हम शपथ लेते हैं कि हम 365 दिन झंडा लहराएंगे, ये नहीं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही लहराएंगे, 365 दिन झंडा लहराएंगे। तैयार हो तुम लोग? यस यस। भारत माता की जय। रोना नहीं चाहिए बाबू, रोना नहीं चाहिए, ये तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और तू इसी उम्र में झंडे बेच रहा, जाके पढ़ाई लिखाई करो ना। मेरा मम्मी पापा नहीं है। क्या हुआ तेरे मम्मी पापा को? मर गए। कोई बात नहीं बाबू, रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। एक काम करो, ये झंडे सारे मुझे दे दो। एक झंडा कितने का है? 5 रुपये। सिर्फ 5 रुपये का? एक काम करो, ये सारे झंडे मुझे दे दो, मैं तुम्हें 50 रुपये देता हूँ। बाबू ये झंडे कितने का देगा? 5 रुपये का। सॉरी सर, एक झंडा हमें भी दे दो। ये झंडा खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम जाके सिगरेट पियो, वही तुम खरीद सकते हो। माना हमारी झंडा खरीदने की औकात नहीं है, फिर भी एक झंडा दे दो हमें प्लीज। भैया दे दो प्लीज, भैया दे दो भैया प्लीज। और आप लोग भी ये समझिए कि इस झंडे की जरूरत सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं होती है, हम लोगों को झंडा साल के 365 दिन फहराना चाहिए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि 13, 14, 15 अगस्त को सभी कार्यालयों और संस्थानों पर झंडा फहराना है। के साथ ये संदेश देता हूँ कि आप सभी 13, 14, 15 अगस्त को सभी संस्थानों पर झंडा जरूर फहराए। जय हिंद, वंदे मातरम।